मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दिया। ठीक है, तो सर स्पॉटलाइट मोड में रख दो ना। स्पॉटलाइट मोड मतलब? बिल्कुल, ये वीडियो सेटिंग, एक मिनट है। ठीक है, तो शुरू करें। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है, एक्चुअली इसको अपन इसका पार्ट भी बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल का पार्ट भी बोल सकते हैं। इट इज नॉट अ न्यू चैप्टर, बट एक छोटा सा पार्ट है जो अपन को डिस्कस करना होगा। देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस। अपने व्हाट आई विल से, जैसे इसमें मेनली तो जो बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है उसमें कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन भी होता है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन तो सीखने नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ट्रस्टेबल सीरीज से सीख रखा है, और बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का 50% पार्ट इज ट्रस्टेबल सीरीज वाला पार्ट, तो अपन को जरूरत है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वी नो दैट। एलिमेंटल स्टेट्स क्या होते हैं? वी नो दैट। वो अपन ने एग्जांपल लिखे थे ट्रस्टेबल सीरीज में। मैं बाद में एक क्वेश्चन भी पूछ लूंगा कुछ, अभी अपन नाम पे आते हैं सीधा। अपन क्या करेंगे, जैसे अपन लिखते हैं ना हाइड्रो एसिड्स का मतलब हो गया था एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट द ऑक्सीजन, एसिड विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रो एसिड। जैसे H2S हो गया, HCl, HBr, HI, HCN, H2S, etc. मतलब वो एसिड जिनमें हाइड्रोजन होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एसिड। ऑक्सी एसिड्स, एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन, विच कंटेन ऑक्सीजन। वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, तो अपन कहेंगे जैसे H2SO4, HNO3 है, H2CO3 है, CH3COH, H3BO3 है, दीज आर एसिड्स। तो इसको अपन ने लिखा डाइहाइड्रोजन सल्फर ना, दैट इज H2S, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, अपन को पता है। या मतलब एसिड में ऑक्सी एसिड अगर है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सी एसिड। और ये तो पक्का है कि अगर ऑक्सी एसिड होंगे तो ऑक्सीजन इज ऑलवेज अटैच टू हाइड्रोजन, इज ऑलवेज अटैच टू ऑक्सीजन इन ऑल दीज। द एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू ऑक्सीजन, ठीक है? अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, बट वी कैन राइट दैट कि भाई जैसे विल राइट दैट कि अगर हमारे पास एसिड लिखना है तो नेम ऑफ एसिड्स, ठीक है, नेम ऑफ एसिड्स की बात। एक होता है जैसे अपन ऐसे लिखा ना HClO4, या पहले मैं एक एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं H2SO4, H2SO3, H2SO2। हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और या फिर इसका नाम हमको पता है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
दिस इज अगर किसी एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर लिया जाए तो इट विल बिकम सल्फ्यूरस एसिड. अगर एक ऑक्सीजन कम करोगे तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड से एक ऑक्सीजन कम करोगे तो इट विल बिकम हाइपो सल्फ्यूरस एसिड. दिस इज सल्फ्यूरस एसिड है, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड. मतलब नाम को हम कैसे लिखेंगे, अगर कोई एक एसिड है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर कोई एक एसिड है तो उससे एक ऑक्सीजन को डिक्रीज करोगे तो ऑलराइट दिस इज अस एसिड. ये अस बन गया, एक को अस बनाया. और अगर एक और ऑक्सीजन कम करोगे तो मैं उसको फिर हाइपो अस बना दूंगा, हाइपो अस बना दूंगा. मतलब आपने मुझसे कहा, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मेरे पास H3PO4 है तो दिस विल बी फॉस्फोरिक एसिड, एक एसिड, ठीक है. तो अगर मैं H3PO3 लिखूंगा तो आई राइट दिस इज अस एसिड, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम करोगे तो अस एसिड होगा, फॉस्फोरस एसिड होगा. अगर मैं एक और ऑक्सीजन कम करूंगा तो फिर हाइपोस लिखूंगा, तो फिर मैं इसको अगर H3PO2 लिखूंगा तो दिस विल बिकम हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाइपो क्या लिखेंगे अपन, हाइपो अस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड. मतलब फॉस्फोरस एसिड, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है. अब अगर हम चेक करेंगे तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल 3 लिखते हैं अपन. जैसे HClO3 होता है, HClO2 होता है, HCl होता है, ये एसिड. तो अगर हम इनमें चेक करेंगे ना कि विच इज अस एसिड विच इज एक एसिड लाइक दैट, HBr इज हाइड्रोबोरिक एसिड है. किसी ने पूछा था HBr का नाम क्या है, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोब्रोमिक हाइड्रोआयोडिक एसिड. तो अपन ऐसे बता सकते, हाइड्रोसाइनिक एसिड. मैंने आपसे कहा ये जो है ये एक एसिड है, ये अस एसिड हो जाएगा, ये क्लोरिक एसिड है. मैं इसको पूरा लिख देता हूं ना, क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड है, तो ये क्लोरस एसिड है, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड है. ये डाइहाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे अपने से H2S को, राइट ना. तो आपको अगर नाम वगैरह कुछ पूछना है तो वेट भी करना, लिख दो, मैं बताऊंगा. मैं सारे बोर्ड देखता हूं चैट कि भाई अगर किसी ने कुछ पूछा है तो उसको मैं बताऊंगा, जल्दी बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सारे आंसर बताऊंगा आपको. अब मेरा मतलब ये था, क्योंकि आप पहले ध्यान देना कि मतलब बाद में मैं सब बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा ध्यान देना क्योंकि अपन को कैसे करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई भी एटम अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोई एटम अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो उसका एसिड बनेगा ना वो एक वाला एसिड बनेगा. क्या बनेगा, एक वाला एसिड बनेगा, ये इसका एक वाला एसिड अपने हाईएस्ट में था. तो अगर मुझे हाईएस्ट वाला पता होगा तो एक वाला पता है ना मुझे, उससे एक ऑक्सीजन कम करो तो अस वाला भी पता है, उससे एक और कम करो तो हाइपोस हो गया. ऐसा हेलोजन्स में नहीं होगा, बस बाकी सभी जगह होगा. कुछ पार्ट अपन को ध्यान रखना होता है, सल्फर मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 तो एक होना चाहिए, फॉस्फोरस मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 तो एक होना चाहिए, प्लस 5. HNO3 मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज 5 तो नाइट्रिक एसिड हो गया.
नाइट्रिक एसिड होगा। तो अगर एक ऑक्सीजन हटा दिया तो कहेंगे नाइट्रस एसिड हो गया, और अगर एक और हटा दिया तो कहेंगे हाइपोलिक। अब इसमें ना थोड़ा सा आप ये देखो, मैं आपसे बोल रहा था कि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो जो उसका एसिड बनेगा वो एक बनेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजन। हेलोजन में एक वाला जो होता है वो हाईएस्ट वाला नहीं होता है, हेलोजन में एक वाला, जबकि HCl के ClO4 इसमें +7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हेलोजन के? हेलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। हेलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो इसका जो एक वाला एसिड होता है वो +5 स्टेट में होता है, एक लिखा मैंने इधर है एक वाला एसिड, जबकि +7 इसमें था, लेकिन वो नहीं होता, सिर्फ हेलोजन में ऐसा होगा, बाकी नहीं होगा कहीं। वो आप उसको प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन बोल सकते हैं, जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं। तो इसमें HClO3 इज एक एसिड, HClO2 इज ऐसा एसिड, HClO इज हाइपो एसिड। तो एक जो होगा वो +5 बोलने वाला होगा। अगर ब्रोमिक एसिड लिखना है तो Br लिखूंगा, फिर बाकी अपन को पता है कि भाई एक वाला अगर मुझे पता है क्या होता है तो एक ऑक्सीजन कम करो दूसरा ऑक्सीजन कम करो, वो अपन को पता होता है। सर HCl4 को क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से अपन सब चुप रहते हैं, सुनो बस, अपन को कुछ नहीं पूछना है, आप तो सुनो बस, अपन को कुछ भी नहीं कहना है, आप तो बताते जाओ, हम देखते रहेंगे कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है ना? अपन बिल्कुल अपन वेट करते हैं बस, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन को ये पता चल गया कि देखो आपने कहा सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, आपने सिर्फ 17 ग्रुप को छोड़ के बाकी सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर कहा कि एक होगा, आपने सिर्फ 17 ग्रुप के एलिमेंट छोड़ के, मतलब आप इसको छोड़ के बोल रहे हो बाकी सबको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो आप एक एसिड बोल रहे हो कि एक एसिड होगा। अगर ये एक एसिड है तो ये अस एसिड होगा, ये हाइपो अस एसिड होगा, ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई मान लिया मैंने, अब होगा क्या, अब इसको तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि हाइड्रो एसिड्स क्या होते हैं और ऑक्सीजन एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रो एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब अगर मुझे किसी का एक एसिड पता है H2SO4, ये एक एसिड है, तो रिमूव वन ऑक्सीजन, तो अस एसिड बन गया, और इसमें अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो ये पर एक बन गया, क्या बन जाएगा, मतलब एक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो पर एक एसिड बन जाएगा, और अगर उससे एक ऑक्सीजन ले लो तो अस एसिड बन जाएगा। अच्छा, तो फिर पर फास्फोरिक एसिड क्या होगा, H3PO5, एक ऑक्सीजन ऐड करूंगा ना, आपने कहा ना किसी भी एक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो आप उसमें परऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा उसमें, इसलिए अपन उसे पर एसिड बोलते हैं, पर एसिड का मतलब जिनमें परऑक्साइड बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो। हम तो नाम सीख रहे हैं, हम बॉन्डिंग सीख नहीं रहे किसका क्या बॉन्ड होगा, हम तो नाम सीख रहे हैं कि भाई अगर किसी का नाम मुझे पता है कि ये एक होता है सल्फ्यूरिक,
तो एक ऑक्सीजन ऐड करने से वो पर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, एक ऑक्सीजन रिमूव करने से वो सल्फ्यूरस एसिड हो गया। सल्फ्यूरस से एक और इलेक्ट्रॉन, एक और ऑक्सीजन एटम रिमूव करो, हाइपो सल्फ्यूरस हो गया। तो एक से अगर एक ऑक्सीजन एटम रिमूव करोगे अस होगा, इससे एक और ऑक्सीजन रिमूव करो हाइपोस हो गया। ये आप सभी के लिए बता रहे ना, एक्सेप्ट हेलोजन 17 ग्रुप को छोड़ के ना। हाँ, तो 17 ग्रुप में प्लस 5 वाला एक होता है, तो एक ऑप्शन ऐड करो एक में, तो क्या होता है HClO4 will be perchloric acid. एक ऑक्सीजन ऐड करो तो उसे कहते हैं perchloric acid. ठीक है, तो HNO3 को HNO4 लिख दूं, तो HNO3 है, HNO4 लिखूंगा तो पर नाइट्रिक एसिड बोलूंगा। बिल्कुल बोलो, आपने कहा एक एसिड होगा, एक ऑप्शन ऐड करो पर एसिड हो जाएगा, एक रिमूव करो आस हो जाएगा, एक और रिमूव करो हाइपोस हो जाएगा। ये सभी में वैलिड है, हाँ सभी में वैलिड है एक्सेप्ट 17 ग्रुप, क्योंकि उसका एक जो है वो HClO3 होता है, HBrO3 विल बी ब्रोमिक एसिड। मतलब अगर अपन HBrO ऐसे लिखेंगे HBrO3, ये ब्रोमिक एसिड है क्योंकि प्लस 5 है, प्लस 7 वाला तो पर ब्रोमिक एसिड होगा जैसे आपने पर क्लोरिक एसिड लिखा। ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया क्या करना है हमको। अब ना अपन क्या करेंगे, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है, अब HNO2 लिख देते हैं, ये तो नाइट्रस एसिड था, HNO लिख देते हैं। तो ये ना नाइट्रस एसिड हाइपो नाइट्रस एसिड, हाइपो नाइट्रस एसिड ऐसे। अब हाइपो नाइट्रस एसिड ना इसमें ना ये बॉन्डिंग नहीं बन पाता, इसमें बॉन्ड्स बन नहीं पाएंगे, हाइपो नाइट्रस एसिड के बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। तो ये ना इस बात में क्या होता है ना, जैसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब पता अगर ये स्ट्रक्चर होगा ना, इसका तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, और थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था कि जितने भी ऑक्सी एसिड है उनमें वही एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, इसमें नहीं है। तो ये एसिड जैसे बिहेव नहीं कर पाएगा, तो अपन को क्या करना होगा, अपन इसको ऐसे करते, इसको कहते हैं डाइमर जैसे एग्जिस्ट करना। जैसे अपन कहते हैं ना, अच्छा ओ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बात नहीं ओ टू बना दो, अब तो स्टेबल होगा ना, तो डाइमर बना दिया। तो हाइपोनाइट्रस एसिड जो है वो डाइमर जैसे एग्जिस्ट करता है, नॉट अ मोनोमर। मोनोमर मतलब जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा था ना अपन ने, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो हाइपोनाइट्रस एसिड जो है वो ना डाइमर जैसे एग्जिस्ट करता है, तो अब ये ऐसे हो जाएगा तो स्टेबल भी हो गया और ऑक्सीजन से अटैच भी है, तो ये लो भाई दो हाइड्रोजन देगा वो, क्योंकि दो हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच हैं ऑक्सीजन से, तो ये दो हाइड्रोजन देने वाला ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन देखते हैं सबके, है ना, फिर आगे अपन देखते हैं क्या करना है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। सर लिखने के लिए दो मिनट दो क्या पूरा टाइम ले ले, मैं तो रुक ही जाऊंगा। व्हाई नॉट HNO, HNO में ये नहीं बनता है, HNO में स्ट्रक्चर नहीं बन रहा ना अपने पास, ये ले पहले HNO3 ऐसे था, ऐसे नहीं बना सकते अपन, बता कैसे बनाओ, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। ये नाइट्रिक एसिड ऐसे था, एक ऑक्सीजन हटाया ऐसे बन गया, एक और हटाया ऐसे बन गया,
अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कम से कम ऑक्टेट कंप्लीट तो होना चाहिए, ठीक है। अब रुक जाओ, मतलब अपन धीरे धीरे करेंगे। अच्छा, HCN का नाम, अरे HCN का नाम तो हाइड्रोसाइनिक एसिड है। फिर पूछा अपन से HClO3 का नाम क्या है, लिखा तो है क्लोरिक एसिड। HClO3 क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब एक मिनट रुको, है हाइपो होता है किसका, चल फिर HPO होता है, नहीं HPO नहीं होता। फॉर्मूला ऑफ HClO, फॉर्मूला नेम ऑफ HClO3 क्लोरिक एसिड, नेम ऑफ एसिड में चेंज क्या होता है, ऑक्सीजन H2S का नाम बता दिया, HClO4 को क्या कहेंगे, पर क्लोरिक एसिड बता दिया मैंने। क्लोरिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो पर नाम उसके पर निकल आएंगे। सर देन विल अ हैलोजन बी अ एक एसिड, हाँ होगा ना, हैलोजन में ही है ना, क्लोरिक एसिड, देयर इज देयर हैलोजन बट इट शुड बी एक। ये जो एक वर्ड है ना, एक अस, ये सब तभी यूज हो सकते हैं व्हेन दे आर ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई डाउट भी होगा तो भी आप पूछ सकते हो। HPO नहीं होता, एक्सप्लेन H2N2O2, बिल्कुल ये ना जो अपन ने इससे लिखा था ना, ऐसे HON, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन। तो भाई ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर ऐसे वो लो स्ट्रक्चर लिखते हैं जो अपन, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप कुछ ऐसे लिखो जिसमें ये एग्जिस्ट करे। तो अपन ने क्या किया, उसका डाइमर बना दिया। डाइमर कैसे बनाया, दो मॉलिक्यूल ले लिए, कैसे, ये लो, अब तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अब तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है शेयरिंग से। समझ में आया। और जो वर्ड है ना, ये एक अस हाइपो, ये सिर्फ को ऑक्सी एसिड के लिए सीखना है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें एक आए या एट आए या कुछ भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको नाम सिर्फ आपने उन्हीं के लिए बताया जिनमें ऑक्सीजन था, दीज आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। इसलिए ऐसे नहीं करना, अच्छा HCl है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख रहे हो, वो तो हो गई, इट इज अ हाइड्रो एसिड, इट इज नॉट ऑक्सी एसिड्स। ये नाम अपन ने ऑक्सी एसिड में सीखा है। अब किसी को डाउट है तो बताए, वरना फिर मैं इसी में एक वर्ड और यूज करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से अपन को एक अस वाला पार्ट आ गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ना मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको पता हो जाए, है ना, आपको ये पता हो जाए कि ये लिखा हुआ है बनने की एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन ऑल एक एसिड्स हैव ऑक्सीडेशन स्टेट Equal to valence electron. ये लो,
तो अपन को याद रहेगा कि सब में एक लिखा आपने, लेकिन हेलोजन में प्लस थ्री में एक लिखा आपने। ठीक है, तो ये पता चल गया अभी अपन को। इसमें कभी कभी ऐसे भी होगा द नॉर्मल नेम ऑफ एसिड, नॉर्मल एक नेम ऑफ एसिड इज ऑल्सो रिटन विथ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले कुछ लिख देना, एस ऑर्थो। मतलब मैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है ये, तो इसको ना ये नॉर्मल एक नेम था उसका सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मैं इसको ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकता हूं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यही इसका ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर मैं लिखूंगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो अगर कभी ऐसे लिखा ना ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, तो मेरे लिए वही है जो फॉस्फोरिक एसिड है। मतलब ऑर्थो नाम भी यूज करते हैं तो अपन को घबराना नहीं है, वो एक ही बात है, वो नॉर्मल एसिड भी होता है। ऑर्थो नाम यूज करेंगे ना तो अपन घबराएंगे नहीं। मुझे लगता है अपन को एक पता चल गया, हैलोजन्स के अलावा बाकी सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो एक यूज करते हैं अपन। और एक में एक ऑप्शन डाल दो तो परिक हो जाएगा, और एक ऑप्शन रिमूव कर लो तो अस हो जाएगा, और एक से अगर दो ऑप्शन रिमूव करोगे तो हाइपो अस हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोला। ऑर्थोक्लोरिक एसिड बिल्कुल, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। जो ये वाला पार्ट है ना नॉर्मल, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है जो भी एक नाम हो। हाँ, ये एसिड को ना पूरा केमिस्ट्री में ऐसे ही लिखूंगा, एसिड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप उसको लिख देना ऐसे। ये एसिड ही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बट स्कूल में ऐसे नहीं लिखना, वो स्कूल से हायर लेवल में लिख सकते हैं अपन ऐसे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एसिड ऐसे ही लिखा जाता है। अपन क्या करेंगे आके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया अपन को है। हाइड्रा एसिड में ऑर्थो का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रा एसिड ऑर्थो जो भी होता है वो ऑक्सी एसिड्स के लिए होता है, हाइड्रा एसिड्स मतलब जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए अपन ने ऐसे। ठीक है, तो ऑर्थो वर्ड जो है वो ऑक्सी एसिड में यूज होता है। अब थोड़ा सा एनायन की बात करते हैं। एनायन
मतलब ऐसे रेंडमली कुछ भी ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मतलब विल हैव कि एक एक पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें भी मुझे और डिस्कस करना है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करूंगा ना, थोड़ा सा अब आप इससे फैमिलियर हो गए, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, फिर वापस इस पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो अपने लिए तो ये है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड लिखो या ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि ऑर्थो वर्ड यूज करके आप मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, बाकी अपने लिए कोई डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा सा एनाइन्स को पढ़ते हैं, फिर मैं वापस एसिड पे आऊंगा, है अभी एसिड पे अपन को काफी पढ़ना होता है, तो अपन ऐसे एनाइन्स की बात। अब देखो एनाइन में अपन सबसे ज्यादा फैमिलियर है किससे, सल्फेट को लिख लेते हैं, ये है सल्फेट, रिमूव वन ऑक्सीनाट, तो अपन कहेंगे ये लो भाई आपने ऑक्सीजन एटम रिमूव करने की बात की ना, O माइनस टू रिमूव करने की बात थोड़ी की थी, रिप्लेस वन ओ एटम विथ सल्फर। अभी देख अगर मेरे पास ना ये है, मतलब ये जो था ये था एट सल्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, कार्बोनेट, CO3 2 नाइट्रेट, ऐसे अगर मेरे पास एट है उससे एक ऑक्सीजन हटा दो तो ये आइट बन जाएगा, मतलब वो सल्फेट था ये सल्फाइट, मतलब अगर आप ऐसे लिखोगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो Na2SO3 सोडियम सल्फेट, आपने ना एक ऑक्सीजन को एक किससे रिमूव किया, सल्फर से, तो एक तो पहले से सल्फर था ही, एक ऑक्सीजन को हटा के एक और सल्फर लिखो तो S2 हो गया और तीन बचे हुए, तो भाई था तो ये सल्फेट ही, इसमें आपने एक ऑक्सीजन को एक ही ग्रुप किया ना दोनों, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे ना, तो जो काम ऑक्सीजन का होता होगा वो सल्फर कर देगा, जो सल्फर का होगा वो सेलेनियम भी कर सकता है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये जो होता है ना, अब सल्फर को बोलते हैं अपन थायो, थायो थियो जो बोलना है बोलो, लेकिन होता थायो है, इसको बोलते हैं अपन थायो, सल्फर को, सल्फर इज कॉल्ड थायो, तो मैं क्या कर दूं भाई, ये सल्फेट तो है लेकिन ऑक्सीजन की जगह एक थायो है, तो अपन क्या बोल देंगे इसको, थायो सल्फेट, आपने एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया, अगर आप इसमें से एक सल्फर को हटा दो और ऑक्सीजन लगा दो तो सल्फेट हो जाएगा, अगर सल्फेट हो जाएगा तो मैं इसको थायो सल्फेट बोल दूंगा, भाई आपने एक ऑक्सीजन की जगह क्या लिखा, सल्फर ना, सल्फर को क्या बोलते हैं, थायो, तो ठीक है थायो सल्फेट बोल देता हूं, सोडियम थायो सल्फेट, मैं इसको सोडियम थायो सल्फेट बोलता हूं, क्या बोल देंगे अपन, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। अब अपन कहेंगे अबे थायो क्या लिखा आपने, सल्फेट ना, थायो ये एट लिखा आपने, ये एट तो रहा, आइट नहीं बना, वो क्यों,
क्योंकि आपने हटाया थोड़ी है कोई एटम, आपने तो रिप्लेस किया है, तो एट तो रहेगी रहेगी। हटाते हैं तो आइट बनता है, तो इसमें से एक ऑप्शन हटा के थायोसल्फाइट बोल दूं तो बोलो, मैं क्या बोलूं भाई, ये आइट है। मैं कहूंगा जैसे आप कहते हो सल्फेट में से एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो तो थायोसल्फेट हो गया, तो सल्फाइट है मेरे पास, एक ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देता हूं तो H2O2 नेगेटिव हो जाएगा, तो थायोसल्फेट बोल दूं, बिल्कुल बोल, आप ऑक्सीजन को रिप्लेस करो सल्फर से, मैं थायो वर्ड यूज कर लूं। ठीक, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लेते हैं अपन को आइट एट में मतलब वो हो गया, तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, अब जरूरी नहीं कि अपन को सल्फर ही गिवन हो है, क्योंकि अपन को तो कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ऐसे दे दिया, तो अपन कहेंगे सेलिनेट भाई, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके उतने ही इसके उतने ही इसके, मतलब जो काम सल्फर करेगा वही काम सेलेनियम करेगा, अब अपन को ये भी लग सकता है, हाउ कैन यू से दैट द चार्ज ऑन द सल्फर एंड द ऑक्सीजन विल बी सेम, ऑब्वियस सी बात है दे आर इन द सेम पीरियड सेम ग्रुप नॉट इन द पीरियड दे आर इन द सेम पीरियड, इसका माइनस टू इसका माइनस टू सभी का माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है भाई, सल्फेट आई एम नॉट टेलिंग यू द, मतलब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि सल्फेट का ये स्ट्रक्चर होता है, जितने बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा उतने बॉन्ड सल्फर बनाएगा उतने बॉन्ड सेलेनियम बनाएगा, ये लो इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने, तो आपने सल्फेट लिखा था, हमने एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दिया, सारे सल्फेट हो गया, आपने सल्फेट लिखा ना, मैंने एक ऑक्सीजन ही उड़ा दिया, लो सल्फेट बन गया, अगर एलिमेंट एक ही ग्रुप से है तो देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑलवेज सेम, देयर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन द टेंडेंसी टू फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज सेम, किसी का आवाज आया था, कौन था वो, सत्यम, किसका आवाज था, मुझे लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट डाल हुआ है, जितने होने नहीं चाहिए उससे ज्यादा है, तो एक बार चेक करो अपने आप को कि आप उसी बैच से हो या कोई अलग भी है तुम्हारे अलावा, तुम लोगों को अपना बैच के स्टूडेंट तो पता है, एक बार चेक कर लो, अगर कोई एक्स्ट्रा है तो मुझे बताओ, अपन उसको पीट पीट के भगा देंगे। अच्छा, कोई सुषमा मैम के नाम से बैच में है, चलो अपन देख लेंगे, ठीक है, वो सुषमा मैडम ही क्लियरी होगी ना अटेंडेंस, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है
अगर एक ही ग्रुप से तो नंबर ऑफ बॉन्ड एक जैसे होंगे ना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ बॉन्ड भी एक जैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो वी कैन मेक दैट। अब अपन बता सकते हैं कि भाई जैसे आपने सल्फेट लिखा था, मतलब मुझे तो मतलब इससे था, इस वाले पार्ट से, जैसे सल्फेट लिखा था ना आपने SO4 नेगेटिव, अब आपने सिलिनियम लिख लिया, आप टेल्यूरेट लिखो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, TeO4 नेगेटिव टेल्यूरेट। लेकिन अगर आप एक ऑक्सीजन रिमूव करोगे इससे, वन ओ एटम, तो मैं लिखूंगा दैट विल बी सेलेनाइट। और अगर इसमें एक ऑक्सीजन को आप एक और, तो इसको ना ऐसे कर लेते, आप सेलेनियम को थायो थोड़ी बोल सकते हैं, थायोसेलिनेट लिखना पड़ेगा फिर तुमको। जैसे यहां पर तो थायोसल्फेट लिख दिया अपन ने, लेकिन थायो मतलब ऐसे ना, अब एक ऑक्सीजन रिप्लेस वन ऑक्सीजन बाई सल्फर, बाई सल्फर एट, ठीक है भाई। तो अब क्या हो जाएगा, SCSO3 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तो थायो है एक ऑक्सीजन की वजह से, अब ये सेलिनेट है, लेकिन क्यों, क्योंकि आपने रिप्लेस किया ना ऑक्सीजन जैसे ही, तो बिहेव करेगा सल्फर, तो इसकी जगह अब सेलिनेट हो गया। ये लो, एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया, अब क्या बन गया, थायोसेलिनेट, दिस विल बिकम थायोसेलिनेट। तो आपको एट और आइट में समझ में आ गया क्या होता है। जैसे अपन लिखेंगे मेरी मर्जी, मैं कहूंगा अच्छा बताओ इसका नाम क्या है, तो अपन क्या सोचेंगे, पहले ये बताओ ये किस ग्रुप का है, तो अपन कहेंगे कार्बन है, सिलिकॉन है, टिन है, लेड, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, अच्छा अच्छा ठीक है ओके, इसके ग्रुप का है। तो अगर ऐसे होता तो क्या लिखते अपन, अच्छा ये कार्बोनेट है, तो लो भाई प्लम्बेट है, क्योंकि ये कार्बोनेट है, मतलब अगर ऐसे लिखा होता तो मैं कार्बोनेट बोलता, इसमें O3 नेगेटिव सिलिकेट बोलता, स्टेनेट बोलता, जर्मेनेट बोलता, प्लम्बेट बोलूंगा, तो ठीक है। अगर इससे एक ऑक्सीजन हटा दूं तो प्लम्बाइट हो जाएगा। एट को आइट में कैसे कन्वर्ट करना है वो अपन को पता चल गया, रिमूव वन ऑप्शन आइट, अब क्या लिखेंगे, PbO2 नेगेटिव, दिस इज प्लम्बाइट। लो भाई हो गया, अपन को एट को आइट में कन्वर्ट करना आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई ये तो हो गया एट और आइट वाला पार्ट, एक पार्ट आ गया अपने पास, तो इसमें ना अपन पार्ट ए यही लिख लेंगे, अपन पार्ट ए हो गया एट टू आइट कैसे लिखते हैं, या फिर एट टू थायो आइट कैसे लिखते हैं वो अपन ने सीखा। अब अपन दूसरा देख लेते हैं। अब एक होता है कि भाई जैसे अपने पास एट गिवन है और इसको अपन को लिखना है, दैट इज मेटा वर्ड यूज करना है, मेटा, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब मेटा अगर यूज करना है तो पहले मैं इसे लिख लेता हूं भाई BO3 नेगेटिव और अब ये कह रहा है कि एक और ऑक्सीजन रिमूव करूंगा तो क्या बना देंगे, तो फिर क्या कहेंगे अपन, तो एक और ऑप्शन रिमूव करने के लिए अपन को कुछ नहीं बताया गया, अभी अपन को तो जितना बताया गया अपन को तो उतना ही आता है, उतना ही अपन लिखेंगे अभी, है ना भाई, ज्यादा ऑप्शन रिमूव मत कर, अच्छा है ना कि जितना सर कम बताए अपन उतना ही तो कम पूछोगे आप मुझसे, है ना, तो रुक जाओ थोड़ा अभी, मतलब एक साथ अपन सब कुछ नहीं करेंगे ना, ठीक है, पहले तो मुझे वही बताना है ना जो अपने एग्जाम में आए, उसके बाद तो एक बार
है ना, समझना शुरू कर दो सर। बोलो। वो लिख रहा है। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन था, सल्फर था, इसमें इसको क्या लिखना, टेलोरियम था, पोलोनियम था, है ना, माइनस टू चार्ज था सल्फर। ठीक है, तो अब अपन बी एट और मेटा की बात कर रहे हैं, मतलब मेटा वर्ड कब यूज होता है ये देख रहे हैं अपन। भाई ठीक है, मेटा वर्ड की बात करो तो अपन देखो यहां पर लिखा ये एनाइन है, ये एट होगा, मतलब अगर मुझे ऐसे लिखा है एन ए थ्री बी ओ थ्री, भाई थ्री नेगेटिव चार्ज है तो कैटाइन भी तो तीन लगाने पड़ेंगे ना, अगर सोडियम लिखोगे तो, मैग्नीशियम होता तो अलग लिखता, कैल्शियम होता तो अलग लिखता। तो जैसे ये सोडियम बोरेट लिख लिया भाई, ये अपन को समझ आ गया। अच्छा ये एट आप ऐसे बता रहे हो तो मेटा कैसे लिखें, मतलब कोई भी एनाइन जब लिखते हो आप कि भाई ऐसे लिखा आपने SO4 नेगेटिव, तो मुझे वहां पर एक कैटाइन ऐड करके उसका नाम लिख दूंगा, जैसे सल्फेट था Na2SO4, सोडियम सल्फेट हो गया, MgSO4 होता तो मैग्नीशियम सल्फेट बोल देता, एल्युमिनियम होता तो एल्युमिनियम सल्फेट बोल देता, बस वो फॉर्मूला अपन बना लेते हैं चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे अपन बनाते हैं। अब देखो क्या करेंगे, जब कोई आपके पास एट के बना तो रिमूव वन ऑक्सीजन आपके एट माइनस किया अपन ने, अब आपने ऑक्सीजन एटम माइनस नहीं किया, ऑक्सीजन के साथ चार्ज भी माइनस किए उसके, क्या बचा मेरे पास, अगर आप इससे सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव करते तो आइट बचता, ऑक्सीजन एटम BO2, मतलब अगर इससे आप ऐसे करते ना कि रिमूव वन ऑक्सीजन एटम, तो अपन ऐसे लिखते हैं BO2 थ्री नेगेटिव, तो ये होता आइट, और आपने रिमूव क्या किया BO, यहां से रिमूव किया ऑक्सीजन आयन एनाइन यूज किया आपने, रिमूव किया O माइनस टू रिमूव किया, तो उसके चार्ज तो एक ही बचेगा, पर माइनस टू रिमूव कर दिया तो ऑक्सीजन के साथ उसका चार्ज भी माइनस कर दिया आपने, तो मेरे पास क्या बचा BO2 माइनस, इसी को कहता है मेटा, ये क्या था बोरेट, ये क्या था बोरेट, ये क्या है मेटा बोरेट, मतलब दिस इज सोडियम बोरेट, दिस इज सोडियम मेटा बोरेट, दिस इज सोडियम मेटा बोरेट, मतलब अगर किसी, अब एक और बात है, जब आप मेटा बोरेट लिखोगे ना तो उसमें भी चार्ज होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, क्या होना चाहिए उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जब आप मेटा बोरेट लिखोगे तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसका मतलब है मेटा वाले आइंस उसी से बन सकते हैं जिनमें कम से कम मिनिमम थ्री नेगेटिव चार्ज तो होना ही चाहिए, तभी मेटा पॉसिबल है, सल्फेट में मेटा पॉसिबल नहीं है, और सल्फेट में अगर ऑक्सीजन माइनस टू रिमूव किया तो दो माइनस तो था ही उसके पास, वो उससे माइनस कर दिया तो खत्म हो गया, पर इसका मेटा नहीं बन सकता, इससे ऑक्सीजन माइनस टू रिमूव करोगे तो ये तो SO3 बचा, SeO3 बचा, और SeO3 इज नॉट मेटा, क्योंकि मेटा के लिए भी उससे पहले नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, आयन उसको नेगेटिव चार्ज वहां पर उस मॉलिक्यूल पे आयन होना चाहिए, तो इसका मतलब है मेटा उन्हीं एनायन का बना सकता हूं जिनमें मिनिमम थ्री नेगेटिव चार्ज तो होना ही चाहिए। इसका मतलब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है अपने पास, सपोज कि भाई हमारे पास ये है PO4 थ्री नेगेटिव, तो ये फॉस्फेट, तो इसका मतलब है PO3 माइनस, दिट इज मेटाफॉस्फेट, बिल्कुल दिट इज मेटाफॉस्फेट। ठीक है भाई, मेटा वर्ड भी समझ में आ गया कैसे पता,
ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये तो मेटा वर्ड हो गए, और मोस्टली अपने पास थ्री नेगेटिव चार्ज वाले बहुत कम एनायन होते हैं, तो उनसे ही अपन मेटा बना सकते हैं, और एग्जाम में अपन से फॉस्फेट और बोरेट के लिए ही पूछते हैं मेटा वर्ड, तो बता देना। ये एट था मेटा एट। अब ठीक है, अब मैं सी पार्ट लिखूंगा, तो एट और आइट में अपन को कोई डिफरेंस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक ऑक्सीजन एटम रिमूव करना होता है तो एट आइट में कन्वर्ट हो जाता है। एट को मेटा एट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी अपन को पता है, इसमें ऑक्सीजन माइनस टू रिमूव करना होता है तो मेटा एट बन जाएगा। अब फिर वापस मैं एसिड पे आता हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, अब अपन पढ़ते हैं पायरो एसिड्स। पायरो का मतलब होता है हीटिंग। अपन क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं मेरे पास H2SO4, इसको हीट करना है, तो वाटर हटा दो तो SO3 बना, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, ये वाटर हटाया आपने क्योंकि हीट किया आपने, तो इसको लिखूंगा एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखा अपन ने, एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी एसिड के लिए वैलिड होगा, मैं एसिड लिख दूंगा उसमें अगर कोई इधर उधर कुछ हटे तो। अब अगर मेरे पास ऐसे कि मैंने H2SO4 और मैं इसको हीट करता हूं, इसको मैंने ट्वाइस लिखा, एक वाटर हटा दिया जैसे वहां हटाया था, पर यहां से एक दो हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो SO3 बच गया था और वो लिख दिया। यहां पर जब आप इसको डबल करोगे तो इससे एक H2SO4 हाइड्रोजन चार थे, दो निकाल दिया आपने, बचा H2, सल्फर दो हो गए, एक भी नहीं निकाला तो बचा S2, ऑप्शन एट हो गए, एक निकाल दिया आपने तो हो गया सेवन। दिस इज कॉल्ड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब किसी अगर एसिड में पायरो वर्ड लगाना है तो उसके दो मॉलिक्यूल लेके एक वाटर हटा दो, पायरो लग जाएगा। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके दो मोल ले लो, पानी हटा दो, दिस विल बी कॉल्ड एज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब मेरे पास अगर ऐसे लिख रहे और फिर इसको हीट किया, इसको ट्वाइस किया, तो ये तो सल्फ्यूरस एसिड है, तो मैं इसको पायरो सल्फ्यूरस एसिड लिख दूं? हाँ बिल्कुल लिखो, मेरे पास ऐसे गिवन है H3PO4, हीट करता हूं तो मैं इसको पायरो फॉस्फोरिक एसिड लिखूं? हाँ बिल्कुल लिखो, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर मुझे ऐसे गिवन है, अपन पायरो वर्ड यूज कर सकते हैं, अपन को पता है पायरो मतलब नॉर्मल एसिड को, आप कोई भी एसिड हो, नॉट ओनली एनी एसिड, उसका टू मॉलिक्यूल्स ले लो और उससे आप हीट करके और एक वाटर हटा दो, तो आप उसमें पायरो वर्ड यूज कर लीजिए। ठीक है, तो पायरो वर्ड भी यूज करना आ गया।
कब यूज करना है अपन को, ठीक है ना। फिर अपन लिख सकते हैं एसिड्स बाय विच एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड, बाय विच पायरो एसिड्स आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड। कभी कभी आप ऐसे भी बोलोगे मेरे पास ये गिवन है एच, मेरे पास ऐसे गिवन है ए है एच फोर पी टू ओ सेवन, बताओ कौन से एसिड से बना ये कंपाउंड, बता देंगे। ये अपन तो ऐसे देख लिया एच फोर पी टू ओ सिक्स, बताओ कौन से एसिड से बना ये कंपाउंड, या मुझे ऐसे देख लिया एच फोर पी टू ओ फाइव, बताओ कौन से एसिड से बना ये कंपाउंड। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ये लिखा है आपने, चलो पानी डाल देते हैं, एक पानी तो हटाया ना आपने, तो इसमें ना पानी डालते हैं। पानी डालने से मेरे पास आएगा एच सिक्स पी टू ओ एट, इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये इवन नंबर है सारे, तो मैं कहूंगा अच्छा ये ना एच थ्री पी ओ थ्री है, तो मैं बता दूंगा ये फॉस्फोरिक एसिड या पायरोफॉस्फोरिक एसिड से बना है। तो अगर ये है तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें पानी डालते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। पानी डालेंगे तो इसमें आएगा एच सिक्स पी टू ओ सेवन, अब ये इवन नंबर नहीं है सारे, तो अगर ये इवन नंबर नहीं है इसका मतलब दिस इज अ मिक्सचर ऑफ दिस H3PO4 plus H3PO2, H3PO3, ये दोनों फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड दोनों का मिक्सचर है ये तो, और ये H2 तो H6P2O6 बना मेरे पास। अच्छा दिस इज H3PO3 मतलब दिस इज अ पायरोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, so this is a pyrophosphorus acid, समझ में आया ना। अगर अपन को कोई कंपाउंड गिवन है और अपन से पूछा बताओ किस टाइप के एसिड से ये बना, बता देंगे भाई इसमें पानी डालते हैं और बता देते हैं क्योंकि H3PO4 पढ़ाया आपने, ये कभी थोड़ी पढ़ाया H4P2, H4P2 का मतलब अपन को पता चल गया, कैसे बताना है अपन को। समझ में आया क्या करना है अपन को, ठीक है। तो ठीक है भाई अब एक बार रिवाइज कर लो अपन ने क्या क्या पढ़ा, दो मिनट का ब्रेक लेके कि देख लो भाई कोई डाउट है तो पहले मुझसे पूछ लो, थोड़ा सा चेक कर लो कॉपीज मतलब देख के कि क्या मतलब कुछ ऐसे डाउट तो नहीं है, फिर मैं आगे बताऊंगा कि और क्या पूछ सकते हैं अपन से। कुछ कोई कुछ बोल रहा था सर, नोट करना था। हाँ हाँ नोट कर लो, उसके बाद नोट करने के बाद तुम लोग ये देख लो अगर कोई डाउट होगा तो बता देना है। सर वो सल्फेट बनता है कि सल्फाइड, किससे जब भी सोडियम सल्फेट में से एक ऑक्सीजन निकाल तो सल्फाइड बन जाएगा, सोडियम सल्फेट में से एक ऑक्सीजन हटाओगे तो सिर्फ सोडियम सल्फाइड बचेगा, ऐड करोगे हायर सल्फेट तो पर सल्फेट बन जाएगा सोडियम पर सल्फेट, क्योंकि किसी सल्फेट में एक एट में अगर एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो पर एट बन जाएगा। मतलब अगर रिप्लेस करेंगे तो नाम क्या होगा एच टू एस ओ टू, ये ना एच टू एस ओ टू पायरो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड,
लेकिन इसको हीट करने के बनाने का कोई मतलब नहीं है, ट्वाइस करेंगे फिर वाटर भी हटाएंगे, बचा क्या इसमें, एक दो हाइड्रोजन बचे, सल्फर बचा और ऑक्सीजन में एक थ्री बचा, तो अपने पास क्या हो गया, ये बना अपने पास H2SO3, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, थायोसल्फेट। सो दैट इज अपन ये अगर देखा जाए तो H2SO4 है ना, ये बिल्कुल वैसे ही तो बन गया, ये तो ये बन गया अपने पास थायोसल्फेट, हाइड्रोजन थायोसल्फेट, हाइड्रोजन थायोसल्फेट। थायोसल्फेट में देखो SO4 में से एक ऑक्सीजन को अगर सल्फर से रिप्लेस करो तो क्या बन जाता है, थायोसल्फेट। अब इसको अपन हाइड्रोजन थायोसल्फेट भी बोल सकते हैं या फिर पायरोस हाइपोसल्फ्यूरस एसिड भी बोल सकते हैं। सो पायरो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड इज नथिंग बट द हाइड्रोजन थायोसल्फेट, बता सकते हैं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैसे नॉर्मल क्लेचर ना ऑलमोस्ट सारा मैंने आपको बता दिया, प्लम्बेट प्लम्बाइट मतलब एट और आइट कैसे बनाते हैं, पायरो कैसे बनाते हैं, मेटा एट कैसे बनाते हैं वो सारा पार्ट मैंने आपको बताया, ऑक्सी एसिड्स में नाम कैसे चेंज होते हैं वो बताया, ऑर्थो वाले नाम भी बताए मैंने आपको, ऊपर का नहीं दिख रहा है, बाय विच पायरो एसिड इज फॉर्म्ड, एसिड्स बाय विच पायरो एसिड इज फॉर्म्ड वो लिखा है। ठीक है ना, हाँ बोलो सर, सेलेनियम ऑक्सीजन एटम सेलेनियम डाला तो फिर उसमें अपन को थायो तो बोलते नहीं है, तो उसको सेलिनो सेलेनेट बोलना पड़ेगा। अब उसका नाम थायो तो बोल नहीं सकते अपन, तो आप ऐसे लिख दो सेलिनो सेलेनेट, एक सेलेनियम एक्स्ट्रा एडेड है सेलेनेट में, तो पूछेंगे नहीं अपन से, चिंता मत करो, जो पार्ट पूछ सकते हैं जिसमें कुछ बन सकता है पूछने लायक वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्योंकि अपन सारा पार्ट ऐसे थोड़ी है कुछ भी पढ़ते रहेंगे अपन तो, ठीक है। चलो देखते हैं अब अपन से क्या पूछेंगे, और कुछ एनाइंस पूछ सकते हैं अपन से, मैं कुछ एनाइंस लिख रहा हूं, नेमिंग ऑफ एनाइंस, ऑफ एनाइंस अगर पूछेंगे तो बताएं क्या नेमिंग ऑफ एनाइंस, वैसे मैंने काफी नेम तो आपको बता ही दिए, एट आइट मेटा सब बता दिए मैंने, जैसे MnO4 नेगेटिव होता है ना तो इसको बोलते हैं पर मैग्नेट, वैसे ही अगर Mn2O4 MnO4 2 नेगेटिव लिख लेते हैं तो इसको बोलते हैं मैग्नेट, एक्चुअली मैग्नेट तो ये था जैसे सल्फेट होता है, अगर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर दो या मतलब चार जैसे हो जाए तो इसको पर मैग्नेट, मैंने कुछ नाम लिखने हैं ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें अपन कुछ वो नहीं करने वाले, और वो इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है धीरे धीरे याद ही हो जाएंगे। CR2O7 2 नेगेटिव,